Assalamu alaikum everyone. My name is Nimra Tahir and I'm going to present my topic, which is normal distribution. A normal distribution is a function that represents the distribution of many random variables as a symmetrical bell-shaped graph. It is a probability distribution of error of measurement. It was Carl Pearson in 1893 who named it normal distribution. Normal distribution basically हम लोग use करते हैं random variables की distribution को represent करने के लिए और इसको symmetrical bell-shaped के graph में represent किया जाता है. Carl Pearson ने इसको first time name दिया था normal distribution as a normal distribution 1893 में. As you can see, normal distribution can be described defined as the formula. Normal distribution consists of two parameters, which are mu and sigma. The value of mean, standard deviation, pi, and e. E is the error, are constant. Thus, the x is the random variable. The graphical representation of normal distribution, which is symmetrical bell-shaped curve, is known as normal curve. As I said, कि ये हमारे पास distribution होती है symmetrical. Symmetrical का मतलब है कि हमारे पास जो इसका mean है वो बीच में आता है, बिल्कुल center में, middle में, और जो आसपास जो area divide करता है वो equally divide करता है. और इस curve को हम लोग bell-shaped इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी shape bell की तरह होती है. फर्दर मैंने इसको इस तरह बताया है कि इसकी जो लोकेशन और जो शेप है वो म्यू और सिग्मा जो कि पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है. जो हमारा म्यू है वो इसकी लोकेशन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, म्यू की वैल्यू. और जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होता है वो कर्व की शेप को चेंज करने के लिए यूज़ होता है. मैं दोबारा पीछे वाली स्लाइड पर आती हूँ जिसके अंदर मैंने एक पिक्चर दिखाई है. तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स हमारे पास आ गए हैं. ये सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इनकी ये कुछ फ्लैट हैं, कुछ नॉर्मल बिल्कुल सिमेट्रिकल तो ये हैं, लेकिन इनकी इनकी शेप में जो है वो डिफरेंस है. वो इस तरह हुआ कि हमारी जो ये मिड में है, इसका मतलब हमारा म्यू जो है वो मिड जो है वो जीरो है. म्यू इज़ जीरो, देन हमारी जो जो हमारा ग्राफ होगा, कर्व होगा, वो मिड में आएगा और जो आसपास हमारी होगा वो इक्वली डिवाइड कर देगा एरिया को. सिग्मा के ऊपर क्योंकि हमारी शेप बेस करती है, तो नॉर्मल कर्व की जो शेप है वो सिग्मा की वैल्यू जो है वो डिसाइड करती है. जितना हमारे पास जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस है वो इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, तो उसी के बेस के ऊपर हमारे नॉर्मल कर्व की जो शेप है वो भी फ्लैटर होती जाएगी, पीक आती जाएगी. और जबकि जो हमारे पास म्यू है वो हमारे इस फिगर को मूव करने के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए उसकी म्यू की वैल्यू हमारे पास उसकी ज़रूरत होगी. उसके बाद मैंने आगे फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बताया है. द नॉर्मल कर्व इज अ सिमेट्रिकल अबाउट द मीन म्यू. एज अ सेट क्योंकि सिमेट्रिकल है, मतलब कि मिडल में मीन होगा और आसपास ये डिवाइड कर देगा हमारे एरिया को. द मीन इज एट द मिडल एंड डिवाइड द एरिया इन टू हाफ. द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वन. हमारी जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, उसको जो पूरा एरिया कवर करेगा वो वन के इक्वल मस्ट आएगी. इट इज़ कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. एज आई सेड कि हमारा जो पूरा कर्व है वो डिपेंड करता है म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर और वेरियंस. वेरियंस इज द सिग्मा स्क्वायर. तो हमारी जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन दो पैरामीटर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करती है. फिर मैंने बताया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर सिमेट्रिक, यूनिमॉडल एंड एसिम्प्टोटिक एंड मीन मीडियन मोड आर इक्वल. देन माई सेकेंड टॉपिक इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी. इफ अ वेरिएबल कैन टेक ऑन एनी वैल्यू बिटवीन टू स्पेसिफिक वैल्यू, इट इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल, अदरवाइज इट इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल. ये डेफिनेशन जो है हमारे पास ये डिफाइन करती है कि जो कंटिन्यूस वेरिएबल हमारे पास होते हैं वो दो कोई भी वैल्यूज़ हम लोग डिटरमाइन कर देते हैं कि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनके अंदर जो हमारे वैल्यूज़ फॉल करेंगी रैंडमली, हम लोग उसको जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो दो वैल्यूज़ का हमारे पास एक इंटरवल बन जाएगा और उसके अंदर से हमने जो चूज़ करनी होगी उन इस तरह की सिचुएशन जो वेरिएबल हम लोग इस सिचुएशन में लेंगे उनको कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं. लेकिन जब हमारे पास कोई भी किसी भी किस्म की स्पेसिफिक वैल्यूज़ हम लोग को नहीं दी जाएंगी कि आपने इस इंटरवल में से वैल्यूज़ देनी है, और लेकिन आपके एक जो फर्म वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी पॉपुलेशन में से, तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, इफ़ वी टेक 10 स्टूडेंट रैंडमली फ्रॉम अ क्लास, इट इज़ अ सैम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल. इसके अंदर हमारे पास जैसे मैंने बता दिया है, हमारे पास इसके आपको खुद भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक क्लास में से 10 बच्चे मैंने ले लिए हैं, जो एक वर्ड हमारे पास आ गया ना 10, दिस इज़ अ फर्म वर्ड कि 10 स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल. और जो कंटिन्यूस के लिए, इफ़ वी टेक स्टूडेंट्स रैंडमली विद द वेट बिटवीन 100 to 200 pounds, अब यहाँ पे हमारे पास इंटरवल की बात आ गई है, तो 100 to 200 के पाउंड्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स का वेट फॉल करेगा इस सिचुएशन के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हमारे पास आएंगे उसको कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं. फिर मैंने आगे फर्दर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया. सबसे पहले बताऊँगी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. नाम से पता आपको पहले लग जाएगा कि डिस्क्रीट का, जैसे मैंने बता दिया कि एक फर्म हमारे पास वैल्यू होगी जिसको मतलब कि जो डिवाइडेबल नहीं होगी, एक फर्म हमारे पास एक वैल्यू आएगी. द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन
that describes the probability of occurrence of each value of the discrete random variable. जो हमारे पास random variable discrete form में आएगा उसकी occurrence मतलब probability जो उसकी हम लोग निकालेंगे वो each of each value उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल दैट हैज़ अ काउंटेबल वैल्यू सच एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि ये काउंटेबल होते हैं मतलब हम काउंट कर सकते हैं. अब वेट है हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं वेट क्योंकि पॉइंट्स में आ जाता है. एक फॉर्म हमारे पास एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि कितना होगा तो लेकिन हमारे पास डिस्क्रीट के अंदर हमारे पास एग्जैक्ट आ जाता है. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि नंबर ऑफ हेड्स व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन. जैसे हम कॉइन को फ्लिप करेंगे हमारे पास दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी टेल्स और हेड दोनों की 1-1. तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि टेल के आने के चांस 1/2 हैं या टेल उसके आने के चांस 1.5 हैं. इस तरह करके नहीं हम बता सकते क्योंकि एक फॉर्म है एक हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. देन नेक्स्ट हमारे पास है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. द कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ये रैंडम वेरिएबल्स जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनकी पॉसिबल वैल्यूज जो हमारे पास आती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं. कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल विद द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट इज इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल. एज आई सेड के जो इंटरवल है उसके अंदर कुछ भी आ सकता है उसके अंदर हजारों इनफाइनाइट हमारे पास वैल्यूज आएंगी और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम इसलिए कंटिन्यूस कहते हैं क्योंकि ये चलता जाता है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी वेट फॉर फाइव फाइटर बिटवीन 150 to 250 pounds. अब 150 से लेके 250 तक जितने भी इनके दरमियान जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास कंटिन्यूस ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस रैंडम वेरिएबल्स की उनको हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. फर्दर मैंने इनकी तीन मेन चीज़ें बताई हैं प्रॉपर्टीज़ कह लेते हैं इनको. दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टेबुलर फॉर्म. एज आई सेड कि ये चलता जाएगा ये प्रोसीजर जो है वो चलता जाएगा और सारा डाटा इसको कलेक्ट करने में ये बहुत एरर के भी चांसेस होते हैं ये मुश्किल होता है टेबुलर फॉर्म में इसको बताना. उसके बाद मैंने बताया कि रैंडम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन या फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यूज को कैलकुलेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो इनके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू सॉरी इक्वेशन और फॉर्मूला हमारे पास रिक्वायर्ड होता है. एंड द लास्ट आई सेड इट्स एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज आई सेड कि हमारे पास पूरा सिमेट्रिक में होता है. तो कंटिन्यूस वेरिएबल क्योंकि चलता जाता है हमें आप नहीं गिन सकते कि वन से लेके जीरो से लेके वन तक कितनी वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज जो हैं वो फॉल करती हैं इस इंटरवल के अंदर. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जीरो हो जाती है. सो आई होप आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ. हमारे पास क्वेश्चन है एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद जीरो मीन एंड 0.6 स्टैंडर्ड डेविएशन. फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास उन्होंने दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो फाइंड करें. तो इसका सवाल मैंने किया है कि मीन हमारे पास जीरो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.6 है. यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी फार्मूला जिसको फार्मूला जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा ग्रेटर देन की फॉर्म में उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है जो फार्मूला यूज़ होता है वो मैंने नीचे थोड़ा सा लिखा है जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन ए. यहाँ पे हम लोग अब इसकी पहले तो हम क्योंकि मैथमेटिकली अगर हम लोग चलें तो हम पहले सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ लेस देन ए की वैल्यू इसको फाइंड करेंगे विच इज़ ए हमारा क्योंकि ज़ीरो है और ये ए की वैल्यू लेस देन की फॉर्म में हम लोग एस पी एस एस के ऊपर एस पी एस एस से निकाल लेंगे. हम लोग एस पी एस एस से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले वेरिएबल व्यू में जाकर हम लोग यहाँ पे अपने वेरिएबल को नेम देते हैं एक्स का और फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे विच इज़ ज़ीरो. देन हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे कंप्यूट वेरिएबल. हमारे पास ये कैलकुलेटर एक टाइप एक स्क्रीन खुल जाएगी. हम लोग अपने टारगेट को नाम दे देते हैं पी का और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ फंक्शन ग्रुप में आके सिलेक्ट करना है सी डी एफ एंड नॉन सेंट्रल सी डी एफ. हमारे पास फर्दर एक और ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ से हम लोग ले लेंगे सी डी एफ नॉर्मल बिकॉज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं. इस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा. यहाँ से एक्स को हम लोग फर्स्ट मूव करेंगे देन एक्स के बाद यहाँ पे हमारा चलेगा मीन की वैल्यू विच इज़ ज़ीरो देन स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ 0.6 एंड ओके. स्क्रीन आपके पास आ गई है आउटपुट स्क्रीन इसको मिनिमाइज करते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हमारे पास आ गई है प्रोबेबिलिटी ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी आ गई है. यहाँ पे हम जाके क्योंकि ऑलवेज हम लोग 4 डेसिमल लेते हैं प्रोबेबिलिटी के हम इसके डेसिमल्स जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे. अब ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर और उससे 1 माइनस दिस वैल्यू करेंगे वो मैं आपको फर्दर बताती हूँ. एस पी एस एस से हम लोगों ने जीरो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर दी है जो कि थी 0.5000. अब 1 में से हम माइनस करेंगे इस वैल्यू को तो हमारे पास आ जाएगा इस सिचुएशन इस पूरे इक्वेशन का आंसर विच इज़ 0.5000. सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास बिटवीन वाली
सिचुएशन आ गई है जिसमें हमारे पास टू वैल्यूज के साथ हमें डील करना है. हमारे पास क्वेश्चन आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 1.8. तो हमारे पास प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की विच इज़ जब भी हमारे पास ए या हमारे पास टू वैल्यूज़ आ जाएँ तो उसके साथ किस तरह डील करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन एक्स लेस देन बी इक्वल्स टू बी माइनस ए. और हमारे जो हमने मैंने इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपनी ऊपर जो हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं उनको पुट किया है. वो सिंपली आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1.8 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन 0.2. अब मैं इन दोनों की वैल्यूज़ SPSS से निकालूंगी सेम पैटर्न से. सेम पैटर्न है, हम लोग वेरिएबल व्यू पे जाएंगे, अपने वेरिएबल को नेम देंगे x, वापस आएंगे यहाँ पे अपने x की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट करेंगे विच इज़ 1.8 एंड 0.2. ठीक है, अब यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल, अपने वेरिएबल को नेम दे देते हैं प्रोबेबिलिटी का. यहाँ से हम वही CDF को सिलेक्ट करेंगे, फिर CDF से नीचे जो फर्दर ऑप्शन आई है वहाँ से नॉर्मल को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी. x को हम मूव करेंगे, यहाँ से हम मीन लिख देते हैं विच इज़ 0 एंड देन हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिख देते हैं विच इज़ 0.6 एंड देन ओके. हमारे पास स्क्रीन पे आ जाएगी अब इसकी प्रोबेबिलिटी और यहाँ से हम इसके बढ़ा देते हैं डेसिमल्स को. ये देखिए हमारे पास आ गई है वैल्यू. अब इसको मैं पुट करूँगी हमारे फॉर्मूला में, आपको इसका आंसर मिलेगा. SPSS से दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद मैंने उसको प्रॉपर्टी के जो पैटर्न था उसके हिसाब से लिख दिया है दोनों की वैल्यूज, फिर उनको सब्ट्रैक्ट किया है. उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया. थैंक यू सो मच, आई होप आपको मेरी समझ आ गई होगी.